ओ मेरे भाई बहन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस दिवाली अमावस्या के पहले की काली रात को आप फिर से जिंदा हो जाएंगे। महाबहन, आप फिर से जिंदा हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस कार्य के लिए मैंने आपके लिए तीन तीन सैनिक ढूंढ लिए हैं। महाबहन ढूंढ लिए हैं जिनका जन्म इसी काली रात को ठीक 12 बजे हुआ था। इसे ताने निशान बन जाए, उसके बाद अपना काम आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगा और आप देवताओं के श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे और हमारी असुरी सेना फिर से जागृत हो जाएगी। ना कोई मनुष्य ना कोई देवता हमें हरा पाएगा। मैंने इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर जो क्लोन तैयार किया था सर, उसके एक्सपेरिमेंट में मुझे सफलता मिली है सर। सर अब इंसान की उम्र 200 साल होगी सर, लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि इसे मैं सिर्फ और सिर्फ देश के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। सर ये मेरी पूरी 3 साल की मेहनत और रिसर्च का रिजल्ट है। मुझे इसकी खासियत के बारे में जानना है। सर ये एक स्पाई की तरह किसी के भी पूरे राज को ओपन कर सकता है और साथ ही साथ सर इस सॉफ्टवेयर में हम कोई भी चीज अपडेट करते हैं इजीली सिंगल बटन से देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि अब दुनिया में किसी भी कोने में हम 24/7 किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ सर पिछले 10 सालों के अंदर का डाटा हम एक साथ बिना हैंग हुए देख सकते हैं। ओहो, वेल डन श्री, तुमने तो हमें मालामाल कर दिया। ना लाइट क्यों ऑफ करके रखी है? बेवकूफ कहीं का। अब मुझे ही अब ये ठीक कैसे? इवेंट और एंकरिंग का काम है ना, वो बस अच्छे से चलना चाहिए। हेलो हेलो सर, रूम नंबर 102 की प्लीज। सर आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। यस। हेलो सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं कुछ समझा नहीं सर। जस्ट प्लीज गिव मी माय रूम कीज 103। यस सर, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। यस। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 11/11/1985। अरे यार, हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम। हो सकता है, कुछ जस्ट बी कोइंसिडेंस। हाय, आई एम श्री एंड यू? माय नेम इज वेंकी। आई एम फ्रॉम बैंगलोर। आई एम अ साइंटिस्ट। ग्रेट। व्हाट अबाउट यू? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड फ्रॉम पुणे। साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैनेजर। हेलो मैम। 104 कीज प्लीज। मैम ये फॉर्म फिल कर दीजिए। तुम मेरे लिए फॉर्म फिल कर दो ना। ऐसे क्या देख रहे हो?
मेरे हाथ में सामान है इसलिए मैं फॉर्म नहीं फिल कर सकती हूँ। मैम आपका डेट ऑफ बर्थ? हाँ इट्स 11th November 1980। अरे इसमें हंसी की क्या बात है? आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली हम बेफिजूल नहीं हंस रहे हैं। इनफैक्ट तुम सुनोगी तो तुम भी शॉक हो जाओगी। कौन सी बात? हम तीनों की डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम टू सेम है। हाउ इट्स पॉसिबल? इट्स अ कोइंसिडेंस, बट इतना कोइंसिडेंस बड़ा अजीब सा लगता है ना वेंकी? या सो क्यों ना हम तीनों फ्रेश होकर कॉफी पे चले? व्हाई नॉट? चले भैया होटल देखा तुमने बड़ा? अरे यार समझ नहीं आ रहा, डार्क नाइट होटल। कहिए क्या आदेश है मेरे लिए? तुम्हारे आखिरी तीनों सिपाही भी आप पहुंच चुके हैं। ये लो काले साम्राज्य की इस किताब को और इसमें दिए गए सारे शैतानी चिन्हों को उनके शरीर पर बना डालो, जिससे कि हम अपने शैतानी आका को जिंदा कर सकें। और याद रहे ये कार्य हमें अमावस्या से पहले ही समाप्त करना होगा। या वेल एवरीथिंग इज फाइन। या ओके ओके चल टॉक टू यू लेटर ना बाय। हे हाय। क्या हाय? व्हाट्स अप? नथिंग जस्ट ओके। कहाँ से आप? I mean, कहाँ से हो तुम? I'm from Pune. और तुम? I'm from Mumbai. And I'm from Bangalore. Nice to see you guys. Same, yeah. Yeah. क्या करते हो? कुछ खास नहीं actually. लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे profession के लोग थोड़े पागल होते हैं। Why? I'm a scientist. और तुम क्या करती हो और यहाँ कैसे? Well, I'm a model and an anchor. मुझे एक इनविटेशन लेटर आया था, पढ़ा तो पता चला कि बॉस ने मुझे कोई जरूरी काम से यहाँ बुलाया है। रात बहुत हो चुकी है, आई गेस हमें चलना चाहिए। वैसे कल ब्रेकफास्ट पे मिले? Yes, sure. Okay. Nice place, huh? Yeah, it's very good. Yeah, actually. क्या हो रहा है?
पूरे होटल का सिस्टम ही खराब है। ऊपर से बॉस है कि ऐसी जगह रुकवा दी। दंपत्ति हर जरूरतमंदों को खून दिलाने के अभियान में जुटी है। बिना किसी की मदद से शुरू किए गए इस अभियान से अब तक 45,000 से ज्यादा ब्लड डोनर्स जुड़ गए हैं और हजारों लोगों को इस सेवा का लाभ मिल रहा है। रमेश यार, कैसे किसी आवाज आ रही है? ये घाव भी ना, अगर मेरे पास मैजिकल पावर नहीं होता तो पता नहीं इन घावों का क्या होता। थैंक यू भगवान जी जो आपने मुझे इतनी स्पेशल पावर दी। लेकिन लेकिन इतनी रात गए मुझे कौन बुला रहा था? मैं तो यहां किसी को भी नहीं जानती और ना ही कोई मुझे जानता है। फिर ये होटल बहुत अजीब सा लग रहा है। यहाँ की चीजें भी बड़ी अजीब सी है। अभिना
हाय श्री। या हाय टीना। व्हाट्स अप? बस थोड़ा सा ऑफिस का काम था। क्या श्री? बहुत दिनों से ये होटल बहुत अजीब लगने लगा है ना? हाँ, मुझे भी यार कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अजीब तो है ही, तो मुझे कल रात से बहुत ही अजीब और गरीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। You know what? रात में ना मुझे भी कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। Hi guys, I'm Kelly. Hi. आज ही इस रिजॉर्ट में आया हूँ। Okay, do you mind if I join you guys? Yeah, sure. Please. Thank you. I'm free. Hi, Tina. Kelly. एक्चुअली मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। टैटू? दैट्स इंटरेस्टिंग। यू नो व्हाट? टैटू बनवाना ना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन है ना, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर तो इसे मैं अपना लक समझूंगा। आज तक मैंने एक से एक टैटू बनाया, यहाँ तक कि बाहर से बड़े बड़े लोग आते हैं मुझसे टैटू बनवाने के लिए। मेरे डिजाइन एकदम यूनिक होते हैं और इन डिजाइन्स को कॉपी भी नहीं किया जा सकता। इस बुक में मेरे सारे डिजाइन्स। हे, मुझे दिखा ना, मुझे देखनी है। वाओ, इसकी तो सारी डिजाइन्स अच्छी है। एक्चुअली मैं यहाँ हॉलीडे पे आया, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आप लोगों को भी टैटू बना देता। दैट्स गुड, मुझे भी टैटू बनवाना है। क्यों श्री, टैटू बनवा लिया जाए? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इंसान को कभी कभी अपनी काबिलियत बेचनी ही पड़ती है। सोच रहा हूँ कि मैं भी टैटू बनवा ही लूँ, लेकिन उसके लिए तो मुझे तुम्हारी शॉप पर चलना होगा ना। अरे नहीं भाई, मैं अपना सारा सामान साथ लेके ही चलता हूँ, तो आप लोगों के होटल पे आके मैं आप लोगों का टैटू बना दूंगा। That's simple. तो फिर मैं भी कैसे पीछे रहूं? केली, क्या तुम आज शाम को मेरे रूम में आकर मेरे लिए टैटू बनाओगे? नहीं, सबसे पहले मेरा टैटू बनेगा, ओके? मेरा टैटू हाँ। लेकिन आज के दिन मैं लड़कियों का टैटू नहीं बना सकता। आज के दिन ऐसा क्या है? वो कहते हैं ना कि अपशकुन होता है। वैसे श्री, तुम भी अपना डिजाइन इसमें से चूज कर सकते हो। बोल जो आइडिया ले ना। अरे नहीं यार, वैसे तुम दोनों मिलकर अपना पहले डिजाइन फाइनल कर लो, उसके बाद मैं चूज कर लूंगा। और वैसे भी मेरा डिजाइन इन दोनों से हटकर होना चाहिए। वेल, ये भी ठीक है, मैं आप लोगों से शाम को मिलता हूँ। आपके बुक। हाँ, ओके गाइस, I'm off. See you soon. Bye. केली, मुझे बड़ा अजीब ही लगा। तुम्हारा क्या मानना है वैंकी? अजीब तो है ही यार। बॉस। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं आपका डार्क नाइट होटल में वेट कर रहा हूँ सर। क्या? आपने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया है? सर, आप भूल रहे होंगे सर, आप ही ने तो सर इनविटेशन भेजा था मेरे घर पे। ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल पहुंचता हूँ। जी सर। Hey Banky, what happened? बॉस का फोन था और वो कह रहे थे कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया ही नहीं। Impossible. फिर ये सरप्राइज देने वाला कौन है? ये होटल इतना खाली खाली क्यों है? अरे सर, खाली किधर है, दरअसल क्या है, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है और इसीलिए हमारा सारा होटल वीआईपी लोगों के लिए बुक हो चुका है। हम ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर रहे, कुछ ही लोगों को रहने के लिए दे रहे हैं। मैनेजर, कोई कमरा खाली है? सॉरी सर, सारे रूम बुक हैं।
हे विष्णु श्री कैसे है तू? मैं एकदम ठीक हूँ, और बता। दरअसल मैं एक केस के सिलसिले में शहर में आया हूँ। ग्रेट। और कुछ दिन यहीं रुकूंगा, पर सुन इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, ओके? ओके ठीक है। अच्छा सुन, हाँ मुझे अपना सेल नंबर देता जा। ओके बॉस। और हाँ सुन, लंच ना तुम और मैं मिलकर साथ करेंगे। अब तू कहे और मैं मना करूं? हाँ मुझे दर्द क्यों हो रहा है? और ये आवाजें कैसी सुनाई दे रही हैं? कुछ नहीं है, ये केमिकल और टैटू की नीडल की वजह से ये सब हो रहा है। वैसे तुम्हारा टैटू कंप्लीट हो गया है, देखो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे तुमने ये क्या बनाया है? इस टैटू का मुझे मतलब तो समझाओ। इसका मतलब भी तुम्हें जल्दी पता चल जाए। अच्छा आर्या, आपने वेंकी को कहीं बाहर जाते हुए देखा है क्या? बाहर जाते हुए नहीं देखा सर, शायद अपने कमरे में होंगे। अरे वो अपने कमरे में नहीं है। मुझे नहीं पता मैम, शायद चेकआउट कर गए हों। ऐसे कैसे हो सकता है, उसका सामान उसके कमरे में है, फिर कैसे जा सकता है वो? टीना एक मिनट, मैं वेंकी का फोन ट्राई करता हूँ। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये वेंकी भी ना। आप क्या करें? अच्छा श्री सुनो, तब तक हम एक काम करें, हम वो पास वाली लेक है ना, सुना है बहुत ब्यूटीफुल है, वहां जाते हैं। ठीक है चलो कम।
उसकी फैंकी भी ना पता नहीं कहाँ है। फिर से ट्राई करती हूँ। फिर से स्विच ऑफ। कहाँ है ये? वेंकी तुम कहाँ थे आज तुम पूरा दिन? इट्स बैड यार, किसी को इन्फॉर्म तो करके जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। और तुम ओके? जाओ, मुझे बात नहीं करनी आज तुमसे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आओ बैठो। हाँ, व्हाई नॉट। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए बिना बताए जाना पड़ा। इनफैक्ट अब तो मैं आ गया हूँ ना। अच्छा सुनो, तुमने श्री को बताया कि तुम वापस आ गए? अरे हाँ हाँ यार, मैंने उससे बात की। इनफैक्ट उसकी डांट भी खाकर आ रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ माय टैटू। वाओ इट्स अमेजिंग, कितनी अच्छी डिजाइन है ना? अच्छा जनाब, तो ये टैटू के चक्कर में आप दिन भर से गायब थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली कुछ जरूरी काम। अच्छा अच्छा वो सब छोड़ो, लेट मी टेक अ पिक्चर। वाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? क्या ली? हेलो। हेलो, बैठो ना। क्या ली? बुक देना, ये लो टैटू की बुक। इसमें से अपना मनपसंद टैटू चूज कर लो। ये तो सारी डिजाइन अच्छी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं टैटू कहाँ बनवाऊँ। वेंकी, तुम्हें क्या लगता है टैटू कहाँ बनवाना चाहिए? बोलो ना। मुझे लगता है कि तुम्हारे गले पे ठीक रहेगा। देखते सॉरी। ये तुम्हें क्या हो रहा है वेंकी? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ये हमारे महामहिम असुर की कृपा है। मैं तो उनकी सेना में शामिल हो चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। वेंकी, तुम ये क्या बोल रहे हो? असुर सेना, क्या मतलब इन सबका? तुम होश में तो हो ना? हाँ, कैली टैटू बनाओ। ना तुम्हारे रूम में ये अजीब सी स्मेल कैसी है? मेरा मतलब है कुछ जैसे कुछ जला हुआ हो। स्मेल? कहाँ है स्मेल श्री? कुछ भी तो नहीं है। श्री आओ ना, यहाँ बैठो बेड पर। मैं यहाँ बस चेयर पे, ठीक है ना? बैठो ना। कैसे श्री, आज तुम बड़े हैंडसम दिख रहे हो। टीना, ऐसी कोई बात नहीं है मुझ में।
श्री, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। ये मेरा जो दिल है ना, वो फिदा हो गया। टीना, टैटू कैसे आया? अब मेरा मतलब है, ये टैटू कब बनवाया? तुमने बताया भी नहीं। मैं तुमसे इतनी रोमांटिक बातें कर रही हूँ और तुम्हें के बस ये टैटू के पीछे पड़े हो। वो जो टीना, श्री क्या कर रही हो? टीना, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। श्री, क्या तुम्हें ये सब? देखो टीना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बंद करो ये सब। मैं सच कह रही हूँ श्री, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके, तो मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ बैठूं, तो मैं जा रहा हूँ। श्री प्लीज रुको, श्री, श्री मेरी बात तो सुन। जाना है तो जाओ, रोका किसने? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, पढ़ाया शरीफ कहीं का।